الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزان الكرامين فضل मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अल्लाह रब्बुल जलाल का एहसान है कि रब्बे कायनात ने अपने फजल करम से हमें मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई अल्लाह रब्बुल जलाल हमारा मस्जिद में आना अपनी रहमत से अपने फजल करम से अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए जो कुछ जो इबादात जो अमाल यहाँ बैठ कर करें रब्बे करीम अपने फजल करम से उन अमाल को कबूल फरमाए और हमारे लिए तो शायद आफत बनाए आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात तिलावत की हैं रब्बुल जलाल हमें आयात की रोशनी में अपनी जिंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह याद रखें कि जो हुक्म अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं इस आयत मुबारक में ये ईमान वालों को बता रहे हैं कि जो ईमान वाले होंगे वो तो इस तरह से करेंगे और वो क्या करेंगे और उनको करना भी चाहिए ऐ ईमान वालों या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह ऐ ईमान वालों अगर तुम्हारे ऊपर कोई किसी किस्म की परेशानी मुसीबत आफत आ जाए तो क्या करो बिस्सब्र सब्र करो और जब तुम सब्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल आगे क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि वबशिर सबिरीन अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं वबशिर सबिरीन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब्र करने वाले हैं उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए और खुशखबरी किस चीज़ की सुनानी है जन्नत की खुशखबरी सुनानी है हमेशा हमेशा के लिए जो कामयाबी वाली जिंदगी है उसकी खुशखबरी इन लोगों को सुना दो क्योंकि इन लोगों ने सब्र किया परेशानी आई मुसीबत आई
अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल की तरफ से जब कोई परेशानी मुसीबत आई तो उसके ऊपर सब्र किया, और जिस बंदे ने ये कलिमात पढ़ लिए, अहदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात जो तबीयत के ऊपर नागवार गुजरे, तो फौरन के साथ जो बंदा ये कलमा पढ़ लेता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह रब्बे जलाल उसके इस कलमे पढ़ने से इंतहाई खुश होते। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक है, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे तो चराग जल रहा था, कुछ थोड़ी सी हवा तेज हुई, जिस हवा के तेज होने की वजह से वो चराग बुझ गया, वो चराग बुझ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह कोई फौत तो नहीं हुआ, किसी ने कोई खबर भी नहीं दी, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन क्यों पढ़ा? तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, जरूरी नहीं है कि किसी की फौतगी पर ही, किसी की फौतगी पर या किसी के मरने पर ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाए, बल्कि जब भी कोई ऐसी तकलीफ हो, कोई तबीयत के ऊपर नागवारी वाली बात गुजरे, कोई तबीयत के ऊपर कलक हो, कोई अफसोस हो, तो फौरन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना चाहिए। इस्लाम ने हमें एक एक चीज बता दी कि जब कोई मामला पेश आए तो इस तरह से ये अमल करना है, और अमल भी कोई इतना बहुत बड़ा अमल करने के लिए नहीं शरीयत कहती है कि भाई जब कोई परेशानी आए तो जंगलों में चले जाओ, जंगलों में जाकर ये पांव पर खड़े होकर के अल्लाह रब्बुल जलाल को मना लो, नहीं। शरीयत ने मुख्तसर से कुलिये बताए कि अगर गुनाह हो जाए तो नहीं कहा कि गुनाह हो जाए तो जंगलों में जाकर बस्तियों को छोड़ दो, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार खानदान सबको छोड़ो, आप जंगलों में जाकर अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह को मना लो, नहीं। शरीयत ने इन चीज़ों से मना फरमाया, बल्कि फरमाया हाँ गुनाह हो गया तो मेरे घर पर आओ, एक मरतबा मुझे को अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं माफ़ कर दूँगा। अगर कोई परेशानी आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ो तो अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी उस परेशानी के गम को दूर कर दूंगा। शरीयत ने कोई बहुत बड़े बड़े अमल करने के लिए नहीं कहे, बल्कि मुख्तसर सा अमल, छोटा सा अमल कि ये काम करो, ये बात, ये अमल, ये अगर परेशानी आई तो ये काम करो, अगर ऐसा जिंदगी के अंदर तुम्हारे अंदर ऐसा जिंदगी के अंदर कोई तुम्हारी कोई ऐसा मामला पेश आ गया तो ये काम कर लो। कोई बड़े बड़े अमाल करने के लिए नहीं कहा, छोटे छोटे से अमाल करने के लिए कहा। लेकिन हम मुसलमान होते हुए हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर लें। सब कुछ जब हो जाता है, किसी परेशानी में मुबतला हो जाते हैं, तो उसके बाद अच्छी तरह से सारे जहां में वावेला करने के बाद, पीटने के बाद, रोने रलाने के बाद कहते हैं अल्लाह की मर्जी, जो अल्लाह ने चाहा बेहतरी होगा, जो अल्लाह की मर्जी थी ऐसे ही होना था। मेरे भाई, ये जो अमाल, जो अमल आज दो दिन के बाद या चार घंटे के बाद कर रहे हो, जब ये अमल पेश आया कि काश के ये उसी वक्त अमाल कर लिए जाते, उसी वक्त ये कहा जाता कि जो मेरे अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। नबी अलैहिस्सलाम के हदीसे मुबारक है कि रब्बुल जलाल फरिश्तों को भेजते हैं, और फरिश्तों को भेजते हैं जो फरिश्ता रूह कब्ज़ करता है, और कोई फरिश्ता किसी बंदे की रूह कब्ज़ कर जब रब्बुल जलाल की बारगाह में हाजिर होता है, और हाजिरी के बाद अल्लाह रब्बुल जलाल उस फरिश्ते से पूछते हैं कि भाई तू क्या करके आया, जानते बूझते हुए भी, सब कुछ इलम में होने के बावजूद भी रब्बुल जलाल उस फरिश्ते से पूछते हैं कि क्या अमल करके आया दुनिया, तो वो कहता है अल्लाह एक शख्स उसका बेटा जो जवान था, जो जवान था, अब उसका फल देने का वक़्त था, यानी कि अब माँ बाप की खिदमत करने का वक़्त था, तेरा हुक्म था मैं उसकी रूह कब्ज़ करके ले आया, मैं उसकी रूह कब्ज़ करके ले आया। ये बहुत बड़ा गम होता कि जवान औलाद अगर माँ बाप से जुदा हो जाए, माँ बाप अपने हाथों से अपनी औलाद को दफन करें, ये बहुत बड़ा गम। और ये याद रखें कि अगर किसी की बीवी फौत हो जाए तो उसके लिए भी किताबों के अंदर लफ्ज़ लिखा, अगर किसी बीवी का किसी औरत का शोहर फौत हो जाए तो किताबों के अंदर एक लफ्ज़ लिखा, और अगर किसी की कोई वालदा फौत हो जाए, वालिद फौत हो जाए, तो लफ्ज़ लिखा है कि ये यतीम है, ये मस्कीन है, ये मुतलका है, ये जवान है। लेकिन कायनात की जितनी भी जुबानें हैं, तकरीबन उन तमाम जबानों की किसी डिक्शनरी के अंदर ये लफ्ज़ नहीं लिखा कि जिस बंदे की जवान औलाद फौत हो जाए उस बंदे को क्या कहा जाता है, इस दुख का डिक्शनरी भी अहाता नहीं कर पाई। बहरहाल अल्लाह रब्बुल जलाल
उस बंदे उस रिश्ते से पूछ रहे हैं कि जब तूने उस बंदे की उस बच्चे की रूह को कब्ज किया और तू आया उस पर उस बंदे ने क्या जो लगे, तो अल्लाह रब्बुल जलाल को वो फरिश्ता कहता है कि या बारी ताला उस बंदे ने जब मैंने उस बच्चे की रूह को कब्ज किया तो उस बंदे ने फौरन से ये कलमा कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूँ। तो अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि क्या वाकई ही उस बंदे ने ये कलिमात कहे, वो फरिश्ता कहता है रब्बुल जलाल से कि अल्लाह मैं उस बंदे की गवाही देता हूँ वाकई ही उस बंदे ने ये कलिमात कहे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं उस बंदे का घर जन्नत में बना दो और उस बंदे का घर जन्नत में बनाने के बाद उस महल का नाम रखो बैतुल हम्द, तारीफ करने वाला घर, तारीफ करने वाले का घर, ये रख दो उस बंदे का। मामूली जो दुख आना था, जो परेशानी आनी थी, जो मुसीबत आनी थी वो तो आ गई, ठीक है, और अब क्या करना है, अब अल्लाह रब्बुल जलाल की हम्द बयान करनी। कुरान मजीद ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु, पहला जुमला फरमाया कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए परेशानी आ जाए बिस्सब्र, सब्र करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक्या लिखा कि नबी अलैहि सलातु व सलाम की खिदमत में बैठे हुए थे और जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और ला करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाने लगे, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल जलाल ने आपको भी सलाम भेजा है, सिद्दीक अकबर को भी सलाम भेजा है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल जलाल का सलाम दिया तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, फरमाया हाँ जिब्राइल अमीन आए हैं। और जिब्राइल अमीन ये कह रहे हैं कि अबू बकर को मेरा, अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं अबू बकर को मेरा सलाम कहो और अबू बकर से पूछो कि अब तकलीफ से तुम्हें निजात मिल गई है, सेहत मिल गई है, अब राजी हो, अब तकलीफ और परेशानी से मुसीबत से निजात मिल गई है, अब राजी हो। कौन भेज रहा है, रब्बे कायनात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लिसान अक़दस से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए कि सिद्दीक तू तो मेरा यार है, तू तो मेरा दोस्त है, हर गम हर परेशानी मुसीबत तू मेरे से आकर के शेयर करता है, क्या परेशानी थी, क्या तकलीफ थी, क्या मुसीबत थी, मुझे तो बताता। फरमाया हुज़ूर 7 साल से मेरी दांत के अंदर दर्द था, 7 साल से मेरी दांत के अंदर दर्द था, मैं सब्र करके अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ किया करता। हुज़ूर ने फरमाया सिद्दीक मुझे तो बताते। फरमाया हुज़ूर महबूब की क्या शिकायत महबूब को लगाता, क्या सबर किया 7 साल सिर्फ दांत के दर्द पर सबर किया, ये मकाम इस तरह नहीं मिल जाया करते, सबर करना पड़ता। हम तो मकाम को छीनने के लिए अपने आप को दलील कर देते हैं कि किसी तरीके से कोई मकाम हमें हासिल हो जाए, परेशानियों से नहीं बल्कि किसी तरीके से हमें किसी कोई को मकाम मिल जाए इसे, मेरे नहीं भाई, शरीयत ने उसूल बताया किसी मकाम पर पहुंचना है तो क्या करना, सबर करो, मेहनत करो, सबर करो, अल्लाह रब्बुल जलाल उस मकाम तक पहुँचा देते। लेकिन आज उम्मत के अंदर अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का फुकदान है तो सब्र नहीं, हर बंदा दौड़ दौड़ लगा हुआ, किसी सड़क पर चले जाओ तो हर बंदा ये कहता है पहले मैं पहुंच जाऊँ, पहले मैं चले जाऊँ, सड़क बंद खड़ी है पीछे से तय तय गई, पता है आगे सड़क बंद है लेकिन फिर भी पीछे से हारन पे हारन मार, सब्र तहम्मुल बर्दाश्त नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी का कोई काम उसकी तबीयत के मुवाफिक ना हो तो फिर भी इंसान अल्लाह रब्बुल जलाल को याद करे और ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर जगह हजरत अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक्या दिखा, कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया था रब्बुल जलाल कि एक अरसे तक अल्लाह रब्बुल जलाल ने उनको आजमाइश में रखा लेकिन जुबान से कभी अल्लाह रब्बुल जलाल के आगे गिला नहीं निकला, शिकवा नहीं निकला कि अल्लाह ये क्या हो रहा है, मैं तो तेरा बरगुजीदा बंदा हूँ, नबी हूँ, ये क्या हो रहा है। सारी दुनिया छोड़ छाड़ गई, सारी दुनिया छोड़ छाड़ गई, एक फकत बीवी उनके साथ रह गई और अल्लाह रब्बुल जलाल ने जब शिफा दी तो सिर्फ एक सेब और एक अनार से अल्लाह रब्बुल जलाल ने शिफा अता फरमाई। शिफा देने वाली भी जात अल्लाह की है और बीमारी में मुबतला करने वाली जात भी अल्लाह की है। 1 रुपये की गोली खाई है तो रब्बुल जलाल ने भी शिफा उसी में रख ली, 1 लाख रुपये की दवा खा लो शिफा फिर भी अपनी रख ली है। तो दवा पकड़ कर अगर इंसान कहे अल्लाह दवा तो खाना तेरे नबी की सुन्नत है, ये तो मैं सुन्नत समझ के खा रहा हूँ और इसके अंदर शिफा तूने रखनी है, ये 1 रुपये की गोली है शिफा फिर भी तूने रखनी है,
मैं 1,00,000 की दवाई खा लूं शिफा फिर भी तूने रखनी है, ए अल्लाह इस छोटी सी गोली के अंदर ही शिफा डाल दे, तो मेरा रब शिफा डालता है। लेकिन मसला ये है कि हमारा एतबार, हमारा नजरिया ये होता है कि हम दवाई खाएंगे तो सेहत मिलेगी, हम दवाई खाएंगे तो सेहत मिलेगी, हम ये काम करेंगे तो सेहत मिलेगी। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह रब्बुल जलाल ने सेहत, तंदुरुस्ती, परेशानी, मुसीबत अपने खजानों में रखी, खुशियां अपने खजानों में रखी हैं। जब तक अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्मों की पाबंदी मुसलमान किया करते थे, अल्लाह रब्बुल जलाल उनको फतुहात भी दिया करते थे और जिंदगियां खुशहाल हुआ करते थे। आज अल्लाह रब्बुल जलाल की नाफरमानियां आम, मैं कहा करता हूं कि जिस धड़ल्ले से हम गुनाह करते हैं, क्या हम उस धड़ल्ले से नेकी करते हैं? जिस धड़ल्ले से इंसान आज गुनाह कर रहे हैं और गुनाह की तरफ चल रहे हैं, क्या उस धड़ल्ले के साथ इंसान नेकी की तरफ आता है? गुनाह की तरफ जाते हुए जन्ने गफीर देखेंगे कि एक तरफ अगर कहीं तमाशा लगा है तो लोग जत्थे के जत्थे उस तरफ जाएंगे, लेकिन अगर किसी जगह कोई नेक अमल हो रहा है तो एक एक करके, दो दो करके, एक एक करके वहां पहुंचना हमारा। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर काम अपने जिम्मे कि नेकी करनी है तो अल्लाह रब्बुल जलाल के दर पर दो रास्ते बता दिए, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता, और इंसान को एक चीज दे दी जो इंसान को अता फरमाई, जानवरों को नहीं अता फरमाई। जानवरों को तो छोड़ दिया कि जिधर मर्जी जाए जो मर्जी करे, लेकिन इंसान को एक चीज अता फरमा दी, उसको कहते हैं अकल, इल्म। अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक सोचे कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। अगर ये रास्ते पर चलूंगा तो दुनिया में भी नाकामियां हैं और आखिरत में भी, और अगर इस रास्ते को छोड़ूंगा और इस रास्ते पर चलूंगा तो दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह रब्बुल जलाल कामयाबियां अता फरमाएगी। लेकिन आज हमारे माशरे में बिल्कुल इसके बरखिलाफ, अगर कोई बुरा काम करना है तो हम धंधे की चोड़ पर करते हैं, बुरा काम ऐलानियां करते हैं, और नेकी का काम, बुरा काम करते हुए शर्माते नहीं है, झिझकते नहीं है, लेकिन नेकी करते हुए शर्म आती है, नेकी करते हुए शर्म आती है कि कोई क्या कहेगा, वो ये नमाजें पढ़ने लग गया, उसने दाढ़ी रख ली, ये शलवार कमीज पहनने लग गया। नहीं, हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नेक आमाल छोड़ देते हैं और लोगों को खुश करने के लिए बुरे कामों में मुबतला हो जाते हैं। सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश करने के लिए हम गुनाह के अंदर मुबतला हो जाते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुश नसीब है वो शख्स जिसको चार चीजें अल्लाह रब्बुल जलाल ने अता फरमाई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाईन ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह वो चार चीजें क्या है? फरमाया कि पहली चीज वो है जिस शख्स को ये चीज अता हो गई अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से, वो सईद है, सआदतमंद है, खुश नसीब है वो शख्स। पहली चीज क्या है कि जिक्र करने वाली जिस शख्स को जुबान मिल गई वो सआदतमंद है, वो खुश नसीब शख्स है जिसको रब्बे कायनात ने जिक्र करने वाली जुबान अता फरमाई। आज हम देख रहे कि हम, मैं कहा करता हूं अमूमी तौर पर कि हमने दुनिया में जितने भी अल्लाह रब्बुल जलाल ने कारोबार काम उतारे हैं वो इंसान ने अपने हाथों से करने, मुंह से करने वाला काम कोई नहीं है। अल्लाह करे कोई फेरी लगा रहा है तो वो भी तो सारा 24 घंटे फेरी में मुंह से आवाज तो नहीं ना निकाल, अब तो वो भी दौर खत्म हो गया, टेप लगाई हुई है और जनाब फेरी लग रही है, तो वो भी दौर खत्म हो गया। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने जितने भी काम कारोबार इस दुनिया में भेजे हैं वो तमाम के तमाम इंसान ने अपने हाथों से कर रहे हैं, और जुबान को अल्लाह रब्बुल जलाल ने फुर्सत दे दी। जुबान को क्यों फुर्सत दी कि काम हाथों से करे, जिक्र जुबान से करता रहे। किसी दौर के अंदर इस तरह हुआ करता कि जब किसी घर के आगे से गुजरा करते थे सुबह फजर की नमाज के, तो हर घर के अंदर से आवाजें आया करती थी। अगर औरतें घरों में काम कर रही हैं तो भी जिक्र की आवाज आया करती थी, कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी, लेकिन अब तो कुरान, जिक्र, अज़कार घरों से आने की आवाजें खत्म हो गई। रात को 1 बजे 4 बजे किसी के घर के आगे से गुजर जाओ, टेलीविजन की, गानों की, फिल्मों की आवाजें जरूर सुनाई देंगी, लेकिन कभी अब कुरान की आवाजें आना बंद हो गई। फरमाया जिक्र करने वाली जुबान जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल जलाल अता फरमा दे वो बड़ा खुश नसीब इंसान, और जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल जलाल मुसीबत को बर्दाश्त करने वाला बदन अता फरमा दे वो भी खुश नसीब इंसान है। मुसीबत को बर्दाश्त करने वाला, सब्र करने वाला जिस्म अल्लाह रब्बुल जलाल जिस शख्स को अता फरमा दे वो भी खुश नसीब इंसान है। अब जरा सोच रहे कि क्या हमारे पास जिक्र करने वाली जुबान है, सब्र करने वाला बदन है? अगर नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। सब्र करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तबीयत के खिलाफ अगर कोई
अमल हो जाए तो फौरन से जिस तरह से हमारे मुंह से गाली निकलती है ना आज के माशरे में, अगर कोई बंदा उसके खिलाफ कोई मिजाज के खिलाफ बात हो जाए तो आज माशरे की आदत है कि फौरन से पलक झपटने से पहले उसके मुंह से गाली निकलती है। वो सोच भी नहीं सकता है, वो जितना मर्जी कई लोगों को मना किया यार गाली कहते कहते सब आदत बन गई है, अब तो ये आदत बन गई है, एक पता ही नहीं लगता गाली निकल गई मुंह से, यानी कि गुनाह करना आदत बन गई है, गुनाह करते हैं पता नहीं लगता कि गुनाह हो गया। कितनी भटाई है हमारे अंदर कि अल्लाह रब्बे जुलजलाल की नाफरमानी बिना झिझक कर रहे हैं, कभी जिक्र तो नहीं निकला हमारे मुंह से। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब कोई परेशानी हो तो ये काम करो, हमारे मुंह से कभी वो तो नहीं निकला, फौरन से गाली जरूर निकलती और निकलती है। मेरे से ज्यादा आप लोग दुनिया वालों को जानते पहचानते हैं, क्या ऐसे ना होता ही नहीं हो? सबर करने वाला बदन जिस शख्स को अल्लाह रब्बे जुलजलाल अता फरमाया वो सईद है, सआदतमंद है, खुश नसीब है वो शख्स जिसको अल्लाह रब्बे जुलजलाल सबर करने वाला बदन अता फरमा। और तीसरा कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बे जुलजलाल नेक बीवी अता फरमा दे, नेक बीवी अता फरमा दे। मुसीबत ये है कि बीवी नेक मिल जाए तो बंदा खराब निकल आता, नेक बीवी मिल जाए तो बंदा खराब निकल आता है, बंदा उसकी जान का अजाब बन जाता है, और अगर बंदा नेक हो जाए तो बीवी दिल ऐसी तैसी फेर देती। तो इस तरह भी नहीं मियाना रवि से जिंदगी गुजारना, ये शरीयत ने हमें एक एक उसूल बताया कि किस तरह से इस जिंदगी को गुजारना। पहली चीज क्या कि जब अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि जिक्र करने वाली जुबान और बर्दाश्त करने वाला बदन और नेक बीवी जिस शख्स को अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अता फरमा दी, अल्लाह रब्बे जुल जलाल के हाँ वो नेक शख्स है, और शुक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, दिल से इंसान शुक्र करे। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अगर कोई नेमत अता फरमाई है तो उस पर अल्लाह रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर तूने मुझे कोई नेमत अता फरमाई है तो मैं इस नेमत का शुक्र दिल से अदा करता हूँ। अब हमारे यहाँ यहाँ क्या होता है कि अगर अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने किसी को कोई नेमत अता फरमाई है तो बजाय शुक्र अदा करने के पटाखे चलाना शुरू कर देना है, बजाय शुक्र अदा करने के अल्लाह रब्बे जुल जलाल के आगे आके सजदा रेज हो, नहीं बल्कि दिन दनाते फिरना है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने मुझे ये चीज अदा कर दी है, अब देखो मैं ऐसी की तैसी कैसे फिरता लोगों। तो मेरे अजीज दोस्तों ये चार चीजें, शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली जुबान और सबर करने वाला बदन और नेक बीवी जिसको अल्लाह रब्बे जुल जलाल अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो नेक बंदा है, सआदतमंद है, खुश नसीब इंसान है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि रब्बे करीम हमें अपनी रहमत से, अपने फजल व करम से, अपने हर अमल के अंदर सबर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।